सो गाइस ये बात तो आपको भी पता होगा कि ज्ञान भाई और प्रियंका दी की लव स्टोरी कितनी गहरी थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि दोनों अचानक से बिछड़ गए और सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये पर्सनल मामला है, लेकिन ऑलरेडी इन दोनों की लव स्टोरी सोशल मीडिया पे छाई हुई है, तो बात करने में क्या बुराई है। तो अगर आप लोगों ने ज्ञान भाई को हर जगह फॉलो करके रखा है तो आपको ये भी पता होगा कि ज्ञान भाई का एक ब्लॉग चैनल हुआ करता था जिसमें करीब 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे। पहले उस चैनल का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन जैसे ही ज्ञान भाई की लाइफ में प्रियंका दीदी ने एंट्री मारा तो उस चैनल का नाम चेंज होके प्रियंका ब्लॉग हुआ था। और उस चैनल पे प्रियंका दीदी ब्लॉग अपलोड करती थी ज्ञान भाई के साथ, लेकिन अगर आप लोग उस चैनल को अभी के टाइम पे यूट्यूब में जाके ढूंढोगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वैसे ज्ञान भाई ने उस चैनल को डिलीट तो नहीं किया है, लेकिन नाम जरूर चेंज किया है और सारी की सारी वीडियो भी प्राइवेट कर दिया है और सब्सक्राइबर भी हाइड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ ज्ञान गेमिंग का सेकंड चैनल। यहाँ पर देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया प्रियंका ब्लॉग बोल के, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, और ऊपर आ रहा है ज्ञान गेमिंग शॉर्ट। एंड अभी मैं इस चैनल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक भी वीडियो नहीं है, सबके सब ज्ञान भाई ने वीडियो प्राइवेट कर दिया है। अब इसे ज्ञान भाई ने प्राइवेट किया है या फिर प्रियंका दीदी ने किया है ये बात तो मुझे पता नहीं है। और आप लोग साइड में देख पा रहे हो इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन भी खुला हुआ है। जब आपके चैनल पे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तभी आपको कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस चैनल का सब्सक्राइबर ज्ञान भाई ने अभी के टाइम पे हाइड कर दिया है, तो काफी लोग कंफ्यूज है। मैं आप लोगों को अबाउट में जाके प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, ट्विटर का लिंक है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्ञान भाई का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पर 1.7 मिलियन फॉलोवर और पोस्ट वगैरह भी आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अभी ये तो 100% कंफर्म हो चुका है कि यही चैनल था ज्ञान भाई का जो कि प्रियंका दीदी को दिया था ज्ञान भाई ने। लेकिन अब ये चैनल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि ज्ञान भाई ने इस चैनल के सारे वीडियो प्राइवेट या डिलीट कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा का पूरा रिस्क तो घट ही गया। अब आपको क्या लगता है कि ज्ञान भाई इस चैनल पे क्या अपलोड करने वाले हैं? मुझे तो लगता है ज्ञान भाई अब इस चैनल पे शॉर्ट अपलोड करने वाले हैं। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे गलती से भी आ जाते हो तो मुझे आप जरूर से फॉलो कर देना। ये रहा मेरा अकाउंट जिसमें 470 फॉलोवर है, क्योंकि 10K फॉलोवर्स वाला अकाउंट हैक होकर डिलीट हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को प्रियंका दीदी का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे आता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रियंका दीदी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि नाम है दे कॉल मी एनजी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे फॉलोइंग पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ज्ञान गेमिंग। आप लोग खुद ही देख लेना आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने ज्ञान गेमिंग जैसे सर्च किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नो यूजर फाउंड, यहाँ पर मतलब इन्होंने अनफॉलो कर दिया है ज्ञान भाई। तो अभी हम लोग चलते हैं ज्ञान गेमिंग के अकाउंट पे। यहाँ पर ज्ञान भाई का अकाउंट भी आप लोग देख सकते हो, यही है अकाउंट, यहाँ पर 1.7 मिलियन फॉलोअर। और अभी मैं यहाँ पर फॉलोइंग पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ दे कॉल मी एनजी। ओके, दे कॉल मी एनजी मतलब ज्ञान भाई ने भी प्रियंका दीदी को अनफॉलो कर दिया है और प्रियंका दीदी ने भी अनफॉलो कर दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या ज्ञान भाई और प्रियंका दीदी के बीच में रियल वाला ब्रेकअप हुआ है? तो आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा।